morning, good afternoon, good evening, wherever in the world you are. Thank you for subscribing me. Thank you for watching me. I'm so glad that I'm getting a very good response from all of you, and that's why I'm moving a step ahead. So today we'll talk about the safety in house regarding the cooking, regarding the kitchen fire. So thank you for listening and JazakAllah. मेरे व्यूअर्स मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे जिस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, जिस तरह आपका फीडबैक आता है, आपका लव आता है, मेरी हिम्मत पड़ती है. तो वी आर डूइंग दिस एंड वी आर प्रमोटिंग दिस सेशन अगेन एंड अगेन. आज का हमारा टॉपिक जो है वो किचन फायर के हिसाब से है कि क्या अगर मैंने गैस खोली भी है और उस पर मेरा एक तवा रखा हुआ है जिसके अंदर तेल रखा हुआ मैं तक के भूल गई हूँ और उसमें अब आग लगी तो मैंने क्या करना है. सबसे पहली बात जो है किचन सेफ्टी के लिए है, किचन के अंदर आग लगती है और वो उसको हम लोग बोलते हैं कि अगर तेल के अंदर आग लग जाती है तो उस पर अगर आप पानी डालेंगे तो एक धमाका हो जाएगा. उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन तो ये होता है कि आपके पास फायर कर्टन मौजूद हो. फायर कर्टन बहुत ईजिली अवेलेबल होता है मार्केट में. उसका काम यह होता है कि आप उसको ढक देंगे. आग लगने के लिए तीन चीज़ें जरूरी होती हैं. एक चीज़ फ्यूल ऑफ फायर जो जल रही है उसको हम तेल बोलेंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन तो मौजूद होती है. और तीसरी चीज़ हीट जो आपने उसका फ्लैश पॉइंट मेंटेन कर दिया कि आपने तेल को तेज जलने दिया. अब उसका तरीका यह है कि इसमें एक चीज़ को डिस्कार्ड करना पड़ेगा. तो उसमें ऑक्सीजन डिस्कार्ड करनी जरूरी है ऑयल फायर के लिए. इसको फैट फायर बोलते हैं कि आप फायर ब्लैंकेट के जरिए उसको ढक दें ताकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए और आग ना लगे. मैं एक दफ़ा किसी यूट्यूब चैनल पे था, किसी गांव से फ़ोन आया है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि जी आप जो बता रहे हैं फायर ब्लैंकेट मेरे पास नहीं होता, तो मेरे पास मिट्टी पड़ी होती है, तो क्या मैं अगर आग लग जाए तो तवे में मिट्टी डाल सकती हूँ? तो मैंने कहा हाँ, तवे में मिट्टी डाल सकती हूँ. मिट्टी का काम भी होता है कि कवर कर देते हैं. लेकिन हम बात कर रहे हैं शहरी लोगों की कि अगर मेरे पास फायर ब्लैंकेट भी नहीं है, अगर मेरे पास ऐसी कोई चीज़ें कवर करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? इसका शॉर्टकट सोल्यूशन ये है, किचन के अंदर तौलिया रखें. तौलिए को आप गीला कर लें, तौलिया गीला कर लें, उसको सुखाइएगा नहीं. तौलिया गीला हो जाए उसको अपने आगे रख के अपने आपको सेव करके आप तवे पर डाल देंगे तो उसका ऑक्सीजन डिस्कार्ड हो जाएगा और आग ख़त्म हो जाएगी. लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि आप फायर कर्टन, फायर ब्लैंकेट ही बाय करें. फायर ब्लैंकेट से ही उसको ऑक्यूपाई करें क्योंकि उसके आपको कवर्ड करके ही बुझानी है. सेकेंड बात यह कि होता ये है कि जब किचन में आपने फायर देखी तो होता ये है कि आग बहुत जगह आगे भी चले गई होती है. तो आपने अगर ये देखा कि वो जो आपकी आग थी उसने चीज़ें जलानी शुरू कर दी, तब आप करीब मत जाइएगा. बल्कि आपका अब जो काम है वही कि बाकी चीज़ें जलनी शुरू हो गई हैं उसकी तरफ फोकस करें. अगर आप बुझा सकती हो आप तो बुझाएं. मैंने फायर की सेफ्टी में बोला जाता है कि अगर आपकी अनकंट्रोल फायर हो गई सबसे पहले आप बाहर निकलें, अपने बच्चों को डिपेंडेंट उनको बोलें, आपको देखिए शोर मचाएं आग आग आग, ताकि जो अरीब करीब हो वो भी ऑल्टरनेट सुन लें कि आग लग गई है और आपके फायर ब्रिगेड को या जो फायर की वहाँ जो भी सेफ्टी अच्छी मौजूद हो उसको कर सकें. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हर फायर का सोल्यूशन आपके हाथ में नहीं है. आप करें अगर अर्ली एवैक्यूएशन कर ली, आपने अर्ली टाइम फायर ब्रिगेड को बोल दिया, आपने अर्ली हाउस पास में लोगों को बचा दिया, तो फिर ये होगा कि आपकी आग काबू की जा सकती है. सेकेंडली हम किचन फायर की बात करें तो किचन फायर के अंदर डिस्कस करते हैं फायर और कैसे लग सकती है. फायर उसके अलावा किचन में बड़ा अहम मसला ये होता है कि हमारी जितनी भी चीज़ होती है सब किचन में पहुँच जाती है, खासतौर पर पेस्टिसाइड की चीज़ें, कीड़े मारने की दवाइयाँ, खटन मारने की दवाइयाँ, ये सारी फ्लेमेबल होती हैं और सब किचन में पहुँची हुई होती हैं. यहाँ दो हैज़र्ड है, एक ये तो खाना पीने की चीज़ आपकी किचन में उसमें अगर जाती हैं तो वो आपका एच एस सी प्रॉब्लम है, मतलब आपकी सेफ्टी सेफ्टी का मसला है, हेल्थ का मसला आ जाता है. और अगर वो गर्म चूल्हे के करीब रखी हुई और गर्मी मिलती है तो फट जाएगी. ऐसे बहुत सारे वाक़ देखे गए कि वो कीड़ों को मारने की जो स्प्रे आता है मच्छरों को मारने वाला, वो चूल्हे के करीब रख दिया था और उसने हीट करके फटा और फट के वो जो सामने बंदा था वो जल गया और काफ़ी प्रॉब्लम हो गई. आपको फिर बता दूँ सबसे ख़तरनाक बात जो होती है हमारा बिहेवियर होता है. अगर कोई एक्सीडेंट होता है ना, बड़े से बड़ा ड्राइवर भी होता है, तो उससे पूछते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हो गया, कहता जी मेरा ध्यान हट गया. तो हमारा सबसे अहम जो किचन के अंदर बात है वो ये है कि आप अपने ध्यान को कंट्रोल करना है कि आपके पास क्या चीज़ फ्लेमेबल है और क्या चीज़ चूल्हे करीब नहीं जानी चाहिए. और सबसे अहम बात किचन फायर के लिए मैचेस जो आपकी माचिस है वो लॉक्ड होनी चाहिए, ये इतने ऊपर चाहिए बच्चों के हाथ में ना जाए. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी, वॉचिंग मी, फॉलोइंग मी. आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट. इंशाल्लाह अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एग्जिट की बात करेंगे कि हमारे एग्जिट रूट क्या होने चाहिए और एग्जिट की इंटरेस्ट क्या होता है. थैंक यू सो वेरी मच.